पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी के एक अभिन्न अंग हैं और पेड़ पौधों की हजारों स्पीशीज हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पर क्या आपने मून ट्री के बारे में सुना है? दरअसल मून ट्री 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज को कहते हैं, जिसे 1971 में अमेरिका के अपोलो 14 मिशन के दौरान मून के ऑर्बिट में ले जाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए पेड़ों के 5 डिफरेंट स्पीशीज, जिनका नाम लव लॉली पाइन, साइकामोर, स्वीट गम, रेडवुड और डगलस फिर है, इन ट्रीज के 500 सीड्स को मून के ऑर्बिट में ले जाया गया। अपोलो 14 मिशन के कॉमन मॉड्यूल पायलट स्टुअर्ट रूजा को एड क्लिफ ने कॉन्टैक्ट किया, जो कि चीफ ऑफ फॉरेस्ट सर्विस थे, और इन सीड्स को मून के ऑर्बिट में ले जाने का सुझाव दिया ताकि वो जान सके कि इन सीड्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट कर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।